हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैंडिड वी जेल के बारे में। कैंडिड वी जेल को ग्लेनमार्क द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 30 ग्राम की ट्यूब के फॉर्म में आता है और इसका प्राइस है 120 रुपये। कैंडिड वी जेल को महिलाओं के वजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। जब महिलाओं के गुप्तांग में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है या वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे में डॉक्टर कैंडिड वी जेल को प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिड वी जेल की ट्यूब है और इसके साथ में एक एप्लीकेटर दिया हुआ है। मैं आपको विस्तार से बताऊँगा किस तरह से आपको कैंडिड वी जेल को यूज़ करना है इस एप्लीकेटर के द्वारा। कैंडिड वी जेल, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कैंडिड वेजाइनल जेल है जिसमें क्लोट्रिमाजोल नाम की दवाई होती है और इसका उपयोग महिलाओं के वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने पे किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी दवाई है और महिलाओं की गुप्तांग में होने वाली खाज, खुजली, जलन, रेडनेस और वाइट डिस्चार्ज को ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। कैंडिड वी जेल सब जगह आसानी से मिल जाता है और बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरह से कैंडिड वी जेल को यूज़ करना है इसके बारे में जानकारी होना। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कैंडिड वी जेल की ट्यूब है और ये एक एप्लीकेटर है। आपको कैंडिड वी जेल का ट्यूब जो है इसका ढक्कन खोलना है और इस एप्लीकेटर के अंदर इसको जो ये ढक्कन है ये बाहर आप पुश करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से और ये जो पार्ट है इसको जो कैंडिड वी जेल का आपने ढक्कन खोल लिया है यहाँ पे इसको लगाएंगे ढक्कन खोलने के बाद और इसको पूरा भर लेंगे। इसको जब बाहर खींचेंगे तो इसमें पूरा क्रीम ये भर जाएगी और इस क्रीम को भरने के बाद आपको ये जो एप्लीकेटर है इसको वजाइना के अंदर जितना ज़्यादा आप इंसर्ट कर सकते हैं उसको इंसर्ट करना है और जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जो जेल भरा हुआ है, इसको वजाइना में पुश कर देना है। ऐसा आपको प्रेफरेबली रात को सोते समय करना है और कम से कम आपको 6 रात को ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपका वजाइनल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और अगर उसके बाद भी वजाइनल इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन के लिए और यूज़ करना है। वैसे तो ये काफ़ी सुरक्षित दवाई है लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में कैंडिड वी जेल लगाने पर इरिटेशन हो सकती है, कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आपको तुरंत उस एरिया को धो लेना चाहिए पानी से, साफ पानी से, और डॉक्टर को बता देना चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कैंडिड वी जेल लगाना है या नहीं करना है। आपको जब पीरियड्स आ रहे हैं तब आपको कैंडिड वी जेल का उपयोग नहीं करना है, और या तो आप कैंडिड वी जेल का उपयोग पीरियड्स आने से पहले कर सकती हैं या पीरियड ख़त्म होने के बाद कर सकती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको कैंडिड वी जेल का उपयोग नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कैंडिड वी जेल के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप बताए हुए तरीके से कैंडिड वी जेल का उपयोग करेंगे तो आपको अपने वेजाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका वेजाइनल इन्फेक्शन 5 से लेकर 6 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको कैंडिड वी जेल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप जानकारी आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस्ट को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।